दोस्तों विदाउट फूड हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं 3 weeks एंड विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं ओनली 3 days। वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बात करेंगे वाटर प्यूरीफायर एंड उसके रिगार्डिंग सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में। वीडियो एंड होने तक आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ब्रांड का एंड कौन सा टेक्नोलॉजी का वाटर प्यूरीफायर आपके लिए बेटर रहेगा विद द हेल्प ऑफ ए TDS मीटर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पहले बात कर लेते हैं TDS मीटर के बारे में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आप पानी का जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है या फिर TDS इसे कैसे मेजर कर सकते हैं एंड इसके ऊपर डिपेंड करके आप वाटर प्यूरीफायर कौन सा लेना है वो भी डिसाइड कर पाओगे। जो डिस्कस करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन रिलेटेड सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में, आज के डेट में ऑलमोस्ट 5 types का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फर्स्ट वन है RO। RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, समुद्र का जो खारा पानी है उसे मीठा पानी में कन्वर्ट करने के लिए RO टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। 0.0001 माइक्रोन का होल के साथ प्रेशर क्रिएट करके वाटर को पास किया जाता है जिससे आपको प्योर वाटर मिलता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है UF टेक्नोलॉजी। UF टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है, 0.01 माइक्रोन का होल से यहाँ पे भी पानी पास किया जाता है एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी है MF एंड NF। अब ये सारे टेक्नोलॉजी को अगर साइड कर देते हैं तो और एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही एसेंशियल है, वो है UV टेक्नोलॉजी। UV यानी अल्ट्रा वायलेट। पानी के ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रे पास किया जाता है एंड उसके साथ आपको जो वायरस है बैक्टीरिया है पानी का वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड हमें प्यूरिफाइड वाटर मिलता है। कहते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी का वाटर प्यूरीफायर आपके लिए सही रहेगा, तो आपके पास अगर TDS मीटर है उससे आप खुद मेज़र कर सकते हो या फिर अपना जो पानी का सोर्स है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी हो, बोरवेल का पानी हो या फिर जो सोर्स आप यूज़ करते हो, वो पानी को आप कोई भी शॉप में ले जाके टेस्ट करा सकते हो एंड आपका TDS लेवल डिसाइड कर सकते हो। WHO का गाइडलाइन अगर हम लोग फॉलो करें तो बिलो 300 का जो TDS लेवल होता है उसमें आप लोगों को एक्सीलेंट पानी मिलता है, तो इसमें आपको कोई वाटर प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप चाहे तो UV का जो वाटर प्यूरीफायर है वो कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसमें जो वायरस एंड बैक्टीरिया उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट आता है 300-600 का जो TDS लेवल होता है उसमें आप वाटर प्यूरीफायर कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको फेयर क्वालिटी का पानी मिलता है एज़ पर WHO एंड इस पे आप लोग UV, UF, MF या NF इस टाइप का टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। देन आता है 600-900, इसमें भी आप UV, NF, MF इस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। 900-1200 ये होता है पुअर क्वालिटी का वाटर एज़ पर WHO, तो यहाँ पे आप लोग RO का जो वाटर प्यूरीफायर है वो कंसिडर कर सकते हो। एंड 1200 से ऊपर अगर TDS लेवल जाता है तो वो पानी एक्चुअली पीने लायक नहीं है, तो आप पानी का सोर्स चेंज कर सकते हैं इस कंडीशन में। बात करते हैं वाटर प्यूरीफायर ब्रांड के बारे में, तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, जैसे यूरेका फोर्ब्स का ही 4 ब्रांड अवेलेबल है, डॉक्टर एक्वागार्ड, देन होता है एक्वागार्ड, एक्वा श्योर, एक्वा प्योर, ये चारों एक्चुअली यूरेका फोर्ब्स का ही है, तो कोई भी ब्रांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है बेस्ट सेलर में केन एंड फाइनली आता है हैवेल्स, ऐसे बहुत सारे कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। मैंने जो खरीदा है, मेरा TDS लेवल घर का जो सोर्स का है वो बिलो 300 का है, तो मैंने खरीदा है ये एक्वा श्योर कंपनी का UV टेक्नोलॉजी का। आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है जो है वो एनुअली 1800 के आसपास है एंड RO का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो 3000-4000 ऑलमोस्ट सारे कंपनी में इसी रेंज में वैरी करता है एंड देन UF, MF एंड NF ये सारी टेक्नोलॉजी का कॉस्टिंग थोड़ा सा कम होता है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेटर रहेगा एंड उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हम लोगों को कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाटर प्यूरीफायर आप कंसीडर करते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।